प्रज्ञा उस समय का है जिस समय रावण सीता मैया का हरण करके उन्हें अपनी लंका में ले गया और लंका में ले जाकर खुशियां मनाने लगा, सोचने लगा कि अब मैंने सारा जहान जीत लिया है। लेकिन प्रभु राम अपने हनुमान जी से बोले कि ए हनुमान, तुमने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरी सीता का पता लगा कर आओ कि मेरी सीता कहाँ है। तो सुनिएगा हनुमान जी महाराज ने कौन कौन से काम किए हैं, इस भजन के माध्यम से बताऊंगी। सुनिएगा कि प्रभु राम कैसे अपने शब्दों में बता रहे हैं प्रभु कि हनुमान जी महाराज ने कौन कौन से काम किए और काम करने के बाद उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा। सुनिए। हनुमान जी महाराज हैं और जो संकट को काटते हैं वो देव बड़े बलवान होते हैं। एक बार दोनों हाथों को उठा के बोलो, बोलो बालाजी सरकार की। तो सुनिए प्रभु ने कौन कौन से काम किए। एक से एक काम कर डाले, एक से एक काम कर डाले और तनिक नहीं आया अभिमान। एक से एक काम कर डाले और तनिक नहीं आया अभिमान। और ऐसा सेवक मिला न कोई, ऐसा सेवक मिला न कोई, भरत से यूं बोले भगवान। ऐसा सेवक मिला न कोई, भरत से यूं बोले भगवान। कितने लोग प्रभु रामचंद्र जी महाराज को मनाना चाहते हैं और हनुमान जी महाराज के चरणों में हाजिरी लगाना चाहते हैं, जरा उठाइए हाथों को और जरा ताली जोर से बजाइए और कहिए, और ऐसा सेवक मिला न कोई, भरत से यूं बोले हनुमान। ऐसा सेवक मिला न कोई, भरत से बोले भगवान। ऐसा सेवक मिला न कोई, भरत से यूं बोले भगवान। ऐसा सेवक मिला न कोई, भरत से बोले भगवान। एक से एक काम कर डाले, एक से एक काम कर डाले, तनिक
बड़ा ही आज्ञाकारी है ये, बड़ा ही भोला भाला है, बड़ा ही आज्ञाकारी है ये, बड़ा ही भोला भाला है। तूफानों से ले टक्कर, तूफानों से ले टक्कर, नकाल से डरने वाला है, काल से डरने वाला है, काल से डरने वाला है। सुना भरत मेरा ये सेवक, सुनो भरत मेरा ये सेवक, सुनो भरत मेरा ये सेवक, चंद्र मुनि ज्ञानी ऐसा सेवक मिला न कोई भरत से यूं बोले भगवान, ऐसा सेवक मिला न कोई भरत से बोले ये भगवान, ऐसा सेवक मिला न कोई भरत से यूं बोले भगवान, ऐसा सेवक मिला न कोई भरत से बोले यूं लगी हूँ।
बालाजी महाराज की। कौन कौन चलेगा मेरे साथ मेहंदीपुर दरबार, जरा हाथ तो उठा दो, ऊंचे हाथ और ऊंची तकदीर के साथ। एक दो तीन भरत से यूं बोले भगवान।